तो हम एसक्यूएल सर्वर में बात कर रहे हैं प्यूवट टेबल की। किसकी बात कर रहे हैं? प्यूवट टेबल। अब बोलेंगे सर प्यूवट टेबल का क्या यूज होता है? जैसे कि मैंने यहां लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने यहां पे दे दिया पीटी। तो यहां पे देखेंगे कि पीटी का पूरा डेटा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको मंथ वाइज ग्रुप कर देता हूं कि यहां पे ग्रुप बाय मंथ, तो क्या क्या होता है? तो ग्रुप बाय मंथ करने के लिए यहां पे मुझे इसका ऑपरेटर देना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहां देना होगा मंथ कॉमा सम, और सम के अंदर हमने पान ली एज ग्रुप वर्क, ठीक है। तो यहां सेल्स इसको रन करते, तो यहां पे टोटल आ गई। बट क्या है कि मुझे यहां पे नेम और मंथ वाइज चाहिए, तो मैं यहां पे नेम भी दे, ठीक है। अगर इंक्लूड करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि मुझे मंथ और नेम यहां दोनों डालने पड़े। तो यहां पे टोटल आ गया, अजीब, दिसंबर महीना में इतना, इसमें इतना, इतना, इसमें इतना, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि मुझे जो मंथ नेम यहाँ आया ना, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे मंथ नेम ऊपर की तरफ कहाँ चाहिए? ऊपर ऊपर चाहिए की और तरफ, चाहिए। जैसे कि ये हमारा पिवट ओके पिवट में होता है, ठीक है ना। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लगाएंगे पिवट कि यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे पीवट, ठीक है। और यहां पे हम देंगे प्यूवर्ट, प्यूवर्ट प्यूवर्ट में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एंटर। अब यहां पे मुझे देना होगा अपना कैलकुलेशन, जैसे कि हमने सम सेल्स डाल, ठीक है। फिर देना होगा कि फोर, और इसमें हमने डाल दिया कि मंथ, ठीक है, मंथ ओके इन। और कौन कौन सा कॉलम चाहिए आपको? कॉलम यहाँ मैनुअल डालना पड़ेगा, ठीक है। सारा कॉलम नहीं आएगा, आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया एज ए पीटी या पीटी पीटीटी या कुछ ऐसा डाल दिया ना, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना होगा ना, ये वाली ब्रैकेट, पिवट वाली ब्रैकेट। अब रन करने पे यहाँ देखिए मंथ वाइज सेल आया, बोले सर नन लग, इसमें सेल्स नहीं है। जैसे पूजा जनवरी में किया है, मोहन फरवरी में किया है, मार्च यहाँ हुआ, ये चीज आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, अगर फिर हमें अगर हमें हेडर में चाहिए, हेडर में ऊपर चाहिए, चाहिए ऊपर कॉलम चाहिए वाइज, तो कॉलम हमें वाइज, तो और हमें मंथ और मंथ करके मंथ करके, के जी नेम मंथ के डालने नहीं, हैं। किस कॉलम का क्या क्या चाहिए? तो मुझे मंथ कॉलम का जैन फेब मार्च अप्रैल चाहिए। और अगर सर और अगर हमें सर रॉ में हमें रॉ चाहिए में हो तो चाहिए ग्रुप हो तो इससे पहले जो ग्रुप बाय बताया था उसको कर लीजिए यूज, बायो ग्रुप बाय, बायो ठीक है। पिवट मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखाएगा ना डेटा, ठीक है सर, इसका मेरे सर को इसका मेरे को रिकॉर्डिंग भेज रिकॉर्डिंग दीजिएगा भेज दीजिए। जी अब प्लीज। यहाँ पे कुछ चीजें समझिए, कुछ प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर जो कल मेरे साथ आपसे हो रही थी, उस प्रॉब्लम्स को समझिए। अभी तो छोटा सा डेटा था इसलिए चला, क्या अगर मैं न्यू क्वेरी पे आता हूँ तो ये छोटा डेटा है। लेकिन अगर हम बड़े डेटा की बात करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने यहाँ पे डी टी ए लिया, डी ए लिया, तो यहाँ जो रन करूंगा तो इतना बड़ा डेटा आ रहा है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर मैं अगर पीवट लगाते कि मुझे ईयर वाइज डेटा चाहिए, ठीक है, तो यहां लगाऊंगा फॉर्मूला पीवट, पीवट दिया ब्रैकेट में, किसका सम करना है? तो क्वांटिटी का सम करना है, तो सम यहाँ पे कर देंगे क्वांटिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर को किसके हिसाब से चाहिए? तो ईयर के हिसाब से चाहिए, ईयर, ठीक है। कौन कौन सी ईयर चाहिए? तो मैंने बोला कि 2020 चाहिए, 2021 चाहिए, 2022 चाहिए, 2023
2023 चाहिए, 2024 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट एज ए अफोर्ड इन ईयर इन, ठीक है। अब इसको रन कीजिए तो यहाँ पे एरर आया, एरर क्यों आया, इसको थोड़ा सा स्क्वायर नंबर है या स्पेस है तो आपको स्क्वायर बाइंडिंग मिला, समझे। टेक्स्ट था तो मैं जनरल लिख दिया, बट यहाँ पे स्क्वायर बाइंडिंग में कर, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते जा रहा हूँ, रेड कलर रखता जा रहा है क्या? जी सर, जी सर, कट गया। अब इसको रन करते डेटा, बट एक पिवट नहीं आया डेटा मेरा, नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर कॉलम तो 2020 से 2024 आ गया, बट डेटा मेरा मंथ वाइज या किसी वाइज यहाँ पे ये नहीं हुआ, डेटा आया नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे स्टार हटा दिया और यहाँ पे कर दिया मंथ वाइज डेटा, ठीक है ना, मंथ कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ मंथ मंथ आया, फिर ईयर नहीं आया, क्योंकि तो जो नया डेटा चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे मंथ के साथ साथ क्वांटिटी कर दे रहा हूँ, अब हो जाएगी प्रॉब्लम, यहाँ पे क्वांटिटी लेगा नहीं, समझ आया ना। मतलब जो फील्ड यहाँ पे है वो फील्ड ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर मेनू वन बाई वन फिल देते हैं तो, या तो यहाँ पे ओवरऑल कीजिए, ठीक है ना, या फिर वो फील्ड नहीं डालिए। अब वो जो फील्ड यहाँ नहीं डालेंगे नीचे डेटा नहीं आएगा आपका, समझ रहे हैं, क्लियर ही प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे अगर मंथ वाइज ईयर वाइज रिपोर्ट चाहिए, किस मंथ के किस ईयर में कितना सेल है, अब ये चीज यहाँ पे नहीं आ पा रही है क्योंकि डेटा यहाँ यूनिक नहीं है ना, क्योंकि एक पहले वाले डेटा है आईडी नंबर है, उसी को उसी के हिसाब से ग्रुप कर दे रहा है, मतलब एक रो एक ग्रो, सारे अप्रैल की इकट्ठा नहीं कर रहा, क्योंकि उसको क्या पता कि अप्रैल से करना है या प्रोडक्ट से करना है या एमआरपी से करना है, ऐसे कुछ मेंशन तो नहीं है ना जी। तो मुझे यहाँ पे एक डिलाइट टेबल या एक ये कह सकते हैं कि एक डिजिटल टेबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में फ्रॉम डीटी हटा दिया, ब्रैकेट में लिखा सेलेक्ट, मैंने यहां लिखा कि मंथ ईयर, जो जो फील्ड आप यूज कर रहे हैं पिवट में वो फील्ड यहाँ पे ले लीजिए सेल्स, ठीक है ना, फ्रॉम डीटीए, और यहाँ पे एज ए कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए कि ये आरटी है, डिप्लोमा कुछ भी ऐसा है, ठीक है। अब सेल्स क्यों है इनवाले, और यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। अब रन, ओके, अब रन करते देखिए मंथ वाइज ईयर वाइज सेल्स वाइज क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी आया, क्वांटिटी पे क्वांटिटी लिया ना सब, सम कर सम दिया कर क्वांटिटी का, ठीक है, ओके ओके, समझ में आया, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, दोबारा सेलेक्ट हमें दोबारा लगाना, मंथ ईयर क्वांटिटी लिखना, सिंपल सी बात समझिए ना कि आपका पिवट जिस कॉलम का पिवट में जिक्र कर रहे हैं आपका डेटा उतना ही होना चाहिए, सिंपल सी बात समझे। और तो अब क्या करें कि हमने बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने कोई टेबल नहीं लिया, वे सब कुछ लेके आओ, हम मतलब सिलेक्ट को ही एक और सिलेक्ट दे, ओके ओके, तो क्योंकि पिवट जो वर्क कर रहा है इस वाले सिलेक्ट से वर्क कर रहा है, अब इस सिलेक्ट का डेटा किसी टेबल से नहीं, इसको एक और सिलेक्ट से डेटा आ, तो इस पिवट को इस सिलेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट इसमें 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 सर आपने ये तो नहीं लिया कि डेटा कौन सी शीट का नाम नहीं लिया, यहाँ डेटा उठाया क्या, वही तो मैं बता रहा हूँ फ्रॉम डीटी, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो सिलेक्ट है वो किसी टेबल से डेटा उठा नहीं रहा, वो उठा रहा है एक और सिलेक्ट से,
ये अगले वाला साल के। सिलेक्ट, हाँ ये वाला जो सिलेक्ट है ये टेबल से डेटा उठा रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट टेबल से डेटा उठाएंगे उसी के ऊपर पिवट लगाएंगे तो पिवट कहता है कि जितनी जितना फील्ड आपने मेरे में जिक्र किया है वही फील्ड आपका डेटा में होना चाहिए। अगर कोई कम या ज्यादा फील्ड है तो फिर मैं ग्रुपिंग में दिक्कत करूंगा और मैं सही तरीके से वर्क नहीं करूंगा। समझ में आया? जी सर। नो कोई दिक्कत इसमें? हेलो नो सर। क्लियर सर? यस सर। सर एक मिनट, एक सेकेंड सर, कॉल आया, एक मिनट बस, ठीक एक सेकेंड। यस सर। हेलो। हाँ सर, समझ में आ गया? कोई जी सर। दिक्कत? नो सर, अभी तो अभी तो उसकी उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करूँगा तो करूंगा तो देखूँगा सर आगे। इसकी इसकी प्रैक्टिस कीजिए।